वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टास्क बार के बारे में। जो ये टास्क बार यहाँ देख रहे हैं नीचे की तरफ दिया हुआ है, ये कैसे हाइड होता है, कभी कभी ये इस साइड लेफ्ट में आ जाता है, कभी टॉप पर चला जाता है, कभी राइट में चला जाता है। तो ये जो हेयर फेयर होता है टास्क बार का, ये कैसे होता है, हाउ टू रोटेट अवर टास्क बार, हम लोग कैसे अपने टास्क बार को रोटेट कर सकते हैं, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस समय मेरा टास्क बार जो लैपटॉप का है वो नीचे की तरफ है, बॉटम में है। अब देखिए ये लेफ्ट में आ गया। इसी तरह अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग सिचुएशन हो जाती है, और जो लोग जानते हैं तो बहुत अच्छा, कुछ लोग नहीं जानते हैं कि इसको कैसे सही करें, तो ये आज हम लोग सीख लेते हैं। देखिए, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको सिंपली कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू। इस टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू पर गए, यहाँ पर देखिए ये ऑटो हाइड द टास्क बार कर देंगे तो अपने आप जो टास्क बार आ रहा है गायब हो रहा है वो हो जाएगा। दूसरा, यहाँ देखिए स्क्रीन पर कहाँ दिखे, तो ये समय लेफ्ट है, आप बॉटम कर देंगे तो बॉटम में दिखेगा, राइट कर देंगे राइट में, टॉप कर देंगे टॉप में। तो मैं बॉटम कर दे रहा हूँ और अप्लाई कर दे रहा हूँ, आप देखिए अब मेरा टास्क बार बॉटम में आ गया। तो ये एक छोटी सी सेटिंग है फ्रेंड्स, जिसे आप और हम कर सकते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, बढ़िया आसानी से आप टास्क बार को सही डायरेक्शन में कर सकते हैं। और ये जो छिप रहा हाइड हो रहा है, इसको राइट क्लिक करके भी हम कर सकते हैं, शो द डेस्कटॉप, या यहाँ पर ही कंट्रोल पैनल में ही जाकर आप कर दीजिए, यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, और कंट्रोल पैनल में तो आपको बता ही दिया। थैंक यू।